वेलकम बैक दोस्तों, आज हम देखेंगे जीएसटी का ईवे बिल। ईवे बिल किसको एप्लीकेबल है, कैसे काम करता है, ए टू जेड ऑफ ईवे बिल आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छे लगते तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो ईवे बिल की रिगार्डिंग हम सब कुछ समझने जा रहे हैं आज। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज ईवे बिल। ईवे बिल इज अ रिसीट इशूड बाय कैरियर ऑफ अ गुड्स। अगर उन्होंने ऐसे जब अगर हम वर्ड्स पढ़ते हैं एक्ट का, तो वहां पे लिखा है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मुझे अपना गुड्स भेजना है तो अपना जो भी कुछ मटेरियल है, अपना जो सपोज मान के चलो मैं बॉटल मैन्युफैक्चरर हूं, तो मुझे बॉटल्स भेजने हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो मुझे भेजने के टाइम पे ये ईवे बिल जनरेट करना पड़ता है। तो क्या कहा है, रिसीट इशूड बाय द कैरियर गिविंग डिटेल्स ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइन पॉइंट ऑफ ओरिजिन डेस्टिनेशन एंड रूट। तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, कंसाइनर मतलब जिसने भेजा उसका नाम आ रहा है, कंसाइनी मतलब जिसने भेजा जिसको भेजा उसका आ रहा है, देन डेस्टिनेशन आ रहा है कि कहां तक पहुंचेगा, ओरिजिन मतलब कहां से स्टार्ट किया, कौन से रूट से जाएगा, ये सब डिटेल इसमें ईवे बिल में रहेंगे। तो आप बताएंगे कि किस अथॉरिटी ने इस मतलब कौन से रूल के अंडर ये ईवे बिल आया। तो ईवे बिल अंडर रूल 138 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 के अंडर ईवे बिल को नोटिफाई किया गया है, जिसके अंडर ईवे बिल के प्रोविजंस कंटेंट है। तो ईवे बिल में क्या क्या आता है, ईवे बिल अगर हम फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे देयर इज अ पार्ट ए। तो पार्ट ए में आएगा कि जीएसटी ऑफ अ रिसिपिएंट, जो जिसको गुड्स भेज रहे उसका जीएसटी आएगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी जहां पे डिलीवर करना है वो डिटेल्स है, इनवॉइस नंबर कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट हमने गुड्स भेजे वो डिटेल्स रहेंगे, एंड रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन हम क्यों भेज रहे हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स हो सकता है या गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क ऐसे हो सकता है। तो एक पार्ट ए। और पार्ट बी अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे है ट्रांसपोर्टर्स के डिटेल्स, जिसमें व्हीकल नंबर और ये सब कुछ चीजें यहाँ पे अपडेट करनी होती है। सिंपल है, ईवे बिल बनाना सिर्फ 2 मिनट का काम है, बट उसको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके कंडीशंस एंड प्रोविजंस कुछ अलग हैं। कब जनरेट करना है ईवे बिल, जब रजिस्टर्ड पर्सन कोई अगर गुड्स बेच रहा है तो ईवे बिल आपको जनरेट करना है, और एक प्लेस से दूसरा प्लेस अगर 50 किलोमीटर से दूर है तो आपको ईवे बिल जनरेट करना है। तो रजिस्टर्ड पर्सन को ईवे बिल जनरेट करना है, या फिर अगर मेरा फैक्ट्री मान के चलो पूना में है और मैं फॉर एग्जांपल मेरा बॉम्बे में मेरा जॉब वर्कर है जो मेरे मुझे मशीनिंग वगैरह करके देगा, तो जब मैं पूना से बॉम्बे के लिए जब भी कोई गुड्स भेजूंगा तो मुझे ईवे बिल जनरेट करना है भले कितनी भी अमाउंट का हो। तो ये है सेकंड कंडीशन ऑफ जनरेटिंग ईवे बिल। एंड थर्ड है सप्लायर अदरवाइज, मतलब आप गुड्स सप्लाई करो या कुछ भी करो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर आपका गुड्स जा रहा है आपको ईवे बिल जनरेट करना है। इसको कुछ एक्सेप्शंस हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल, ईवे बिल बनने के बाद कितने टाइम तक वो वैलिड रहेगा। अगर आपका डिस्टेंस लेस देन 100 किलोमीटर है एक प्लेस से दूसरा प्लेस, अगर 100 किलोमीटर के अंदर का है तो 1 डे के लिए वैलिड रहेगा, और अगर ये आगे सपोज मान के चलो 150 किलोमीटर तो 2 डेज के लिए रहेगा, मतलब 100 किलोमीटर के लिए एक दिन, अगले 100 किलोमीटर के लिए दूसरा दिन, उसके अगले 100 किलोमीटर के लिए तीसरा दिन। मान के चलो मेरा 313 किलोमीटर है तो ये ईवे बिल 4 दिन तक जनरेट रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ईवे बिल। इसलिए अगर आप देख के चलो आपको 80-90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई भी गुड्स भेजना है तो 2 से 3 घंटे में तो जनरली पहुंच जाता है। आपको ईवे बिल लास्ट मोमेंट में निकालना है जब आपका व्हीकल रेडी है निकलने के लिए। ऐसा ना करो कि व्हीकल लोडिंग करने के लिए कम से कम 3-4 घंटे लेगा और 3-4 घंटे पहले अपने ईवे बिल जनरेट किया, फिर व्हीकल को कुछ प्रॉब्लम आया इन बिटवीन, उसमें 3-4 घंटे गए, तो ये इशू ना हो इसलिए आपको ये प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। और अगर गुड्स मान के चलो कि वो जो 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है एक दिन में नहीं पूरा हो पा रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि व्हीकल को कुछ प्रॉब्लम आया, फिर और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, तो उस केस में आपको ये ईवे बिल पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा, और इसका पार्ट भी है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा और उसमें डिटेल्स आपको अपडेट करने पड़ेंगे। क्या ईवे बिल कैंसिल किया जा सकता है? यस डेफिनेटली, जहां से आपने ईवे बिल जनरेट किया वहां पे जाके आप ईवे बिल को कैंसिल कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखो ऐसे कुछ कंडीशंस रहते हैं कि मल्टीपल कंसाइनमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स। मेरे पास एक ट्रक है जो पूना से फॉर एग्जाम्पल कोल्हापुर जा रहा था, तो वहां पे एक ही गुड्स में 10 लोगों का मेरे पास सामान है जो मैं लेके जा रहा हूँ साथ में, और इसका सबका मिला के वैल्यू मेरा 2 लाख रुपए हो रहा है, तो किसको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा? जिसका वैल्यू 50,000 से ऊपर जा रहा है वो हर एक कंसाइनमेंट के लिए मुझे ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट करेगा फिर ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा। ओके, देन सेकंड पॉइंट, मल्टीपल कंसाइनमेंट ऑफ डिफरेंट ईवे बिल, मतलब मेरे पास सेम है, पहले केस में क्या था अलग अलग कंसाइनमेंट अलग अलग लोगों के थे पर 50,000 के अंदर के थे। अभी आपको पता ही चला होगा कि ईवे बिल के लिए लिमिट 50,000 का है, अगर आप 50,000 से ऊपर का गुड्स भेज रहे हो तो आपको ईवे बिल करना कंपलसरी है। तो अब मेरे व्हीकल में 60,000 के 4 कंसाइनमेंट है, तो 4 ईवे बिल ऑलरेडी मेरे सप्लायर ने जिनका गुड्स मैं लेके जा रहा हूं बना के दिया है, तो एज अ ट्रांसपोर्टर मुझे एक कंसोलिडेटेड ईवे बिल बनाना पड़ेगा और उसमें हर एक ईवे बिल का
इनवॉइस नंबर और ईवी बिल नंबर मुझे रेफर करना पड़ेगा एज अ ट्रांसपोर्टर। अगर मैं मल्टीपल व्हीकल यूज कर रहा हूँ, मान के चलो एक ही मेरा गुड्स है और उसको एक से ज्यादा व्हीकल यूज करना पड़ रहा है, तो उस केस में जीएसटी डिटेल्स जो भी कंसाइनमेंट की डिटेल है ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा पॉइंट, अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है और वो अपने खुद के व्हीकल से गुड्स कहीं पे लेके जा रहा है, तो उस केस में उसको ईवे बिल फॉर कंज्यूमर्स ये बनाना पड़ेगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब किसको किसको ईवे बिल एप्लीकेबल नहीं है? ईवे बिल एप्लीकेबल नहीं है अगर आप नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस से जा रहे हो, फॉर एग्जांपल बुलक कार्ट से मैं लेके जा रहा हूँ या फिर हाथगड्डी जो रहते हैं उससे मैं लेके जा रहा हूँ, तो ईवे बिल की कोई जरूरत नहीं। ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, क्योंकि बुलक कार्ट से मोर देन 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जा नहीं पाऊंगा, तो छोटा डिस्टेंस ही रहेगा, तो वहां पे ईवे बिल की जरूरत नहीं है। और जहां पे कंसाइनमेंट का वैल्यू मतलब गुड्स का वैल्यू 50,000 से कम है, वहां पे मुझे ईवे बिल जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये दो कंडीशंस है जहां पे ईवे बिल आपको जनरेट करना जरूरी नहीं है, 50,000 से नीचे होना जरूरी है। अब ईवे बिल मैंने जनरेट नहीं किया तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन मेकिंग ऑफ ईवे बिल। अगर आप नहीं कर रहे हो तो सबसे पहली बात ₹10,000 और जो आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट किया है उस पर का आने वाला जीएसटी है, विच एवर इज हायर, आपको पेनल्टी लगेगा। मान के चलो मेरे पास 100,000 रुपए का गुड्स था, सॉरी 1,00,000 रुपए का गुड्स था और उस पर 18% जीएसटी लगता, तो 1,80,000 का मेरा जीएसटी हो रहा है। तो 10,000 और 1,80,000 इसमें से जो ज्यादा रहेगा वो मेरी पेनल्टी रहेगी, तो यहाँ पे मुझे 1,80,000 रुपए ईवे बिल का पेनल्टी पे करना पड़ेगा, वन थिंग। और सेकंड थिंग, जो भी गुड्स वहां पे है जो ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान मिला हो वो जब्त हो सकता है या जीएसटी अथॉरिटी अपने कब्जे में ले सकती है और आपको पेमेंट करने के बाद ही उसको रिलीज किया जा सकता है। इसलिए अगर आप मोस्ट ऑफ द टोल पे देखोगे, जैसे आप टोल क्रॉस करते हो वहाँ पे साइड में कुछ पुलिस ऑफिसर्स रुके रहते हैं, उसमें कुछ ट्रैफिक कांस्टेबल रहते हैं और कोई जो रहते हैं ये जीएसटी डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, मोस्टली अपने ट्रक्स वालों को साइड में लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक करने का काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस में हो और अगर आपको कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है तो डेफिनेटली ईवे बिल के प्रोविजंस को ध्यान रखिएगा, जिससे आपका बहुत बहुत पेनल्टीज का सेविंग हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।